अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू यू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ गुड ह्यूमन ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज़ गुड ह्यूमन फॉर अर्थ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और लाइक करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है गुड ह्यूमन के अच्छे लोग, अच्छे इंसान। ठीक है, अच्छे इंसान क्या होते हैं, कौन से होते हैं, वो क्यों अच्छे होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मैं बताऊँगा। ठीक है, तो कंप्लीट को वीडियो को कंप्लीट आपने एंड तक देखना है। ठीक है, फिर ही आपको समझ लगेगी। अगर आप थोड़ी थोड़ी सी स्किप कर जाते हैं ना जो वीडियो, उस जब आप स्किप करते हैं तो आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, फिर आप ये कहते हैं कि पता नहीं बंदे ने कहा क्या है। सही है, तो ये जैसे आपको सामने एक कार्टून टाइप जो पिक्चर मेंशन की हुई है ना, इसमें ये अच्छी कम्युनिकेशन। सही है, कोई भी वर्क प्लेस हो ना, कोई नॉर्मल सा वर्क प्लेस की बात आपको कर रहा हूँ कि अगर हो ना वहाँ पे अच्छे लोग होंगे तो वहाँ जो वर्क प्लेस नॉर्मल होगा वो हाई हो जाएगा। क्यों हाई हो जाएगा भाई? वहाँ का कल्चर, वहाँ के रहन में काम करने वाले लोग अच्छे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, बातचीत अच्छी करते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी करते हैं। सही है, तो एक उसका वैल्यू हो जाती है चीज़ की। वैल्यू क्या हो जाती है कि भाई फलां जगह पे फलां वर्कर्स बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ हार्ड मदद भी करते हैं, काम भी एक दूसरे का करते हैं। सही, जैसे इस पिक्चर में आपके सामने एक टीम वाइज बना के हैंडों को साथ में अटैच किया हुआ है कि हैंड एक दूसरे ने पकड़े। ये क्या है, ये ऐसा मेंशन की हुई है कि ये एक टीम है। सही है, मेंशन तो आपको कर रहा हूँ टीम का, वैसे ही नाम ले रहा हूँ टीम के, लिहाजा मैं वीडियो बना दूँगा। ये टीम वाइज जो वर्क होता है ना, फिर ही बंदा कामयाब होता है। कि अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर पाता। अगर आप कोई भी मशीन इंस्टॉलेशन करवाते हैं ना, सही है, तो उसमें आपको क्या चाहिए, हेल्प इलेक्ट्रिकल वालों को भी चाहिए, ठीक है, मैकेनिकल वालों की भी चाहिए। सही है, और ऑपरेटर की भी चाहिए, और साथ में आपको ट्रेंड पर्सन की भी चाहिए। मल्टी हो गया ना, तो यही मल्टी को एक टीम कहते हैं। सही है, कि आपने क्या, एक बंदे ने प्रोडक्शन निकाल के देखनी है, एक ने मशीन का फॉल्ट निकाल के देखना है, एक बंदे ने एवरेज चेक करनी है। सही है, कि कितनी एवरेज ये मशीन दे रही है उसी हिसाब से। तो जो टीम वाइज होते हैं ना, जैसे ये हैंडों को पकड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही टीम होनी चाहिए। कोई भी परेशानी आ जाए वर्क प्लेस पर, फॉर एग्जांपल कि आपने कहाँ प्रोडक्शन निकालनी थी 1000, ठीक है, एक दिन की, लेकिन वो 700 निकली, 300 का जो है ना वाया आ गया। सही है, तो आपने जो एक्सप्लेन करना है उसमें आपने सारा डिफाइन करना है। अगर कंप्लीट आपके टीम में से बंदे ये बताएंगे कि ये प्रॉब्लम थी इसमें, सही है, इस वजह से 300 जो है ना कम निकली है प्रोडक्शन, तो अगला बंदा भी एक्सेप्ट कर लेगा। अगर टीम में से कोई भी बंदा होगा वो कहता है जी इस बंदे की प्रॉब्लम की वजह से हमारी प्रोडक्शन कम निकली, तो इससे बहुत ही गलत एक्सप्रेशन जाता है। ठीक है, वो कहता है भाई टीम में से ये बंदा गलत है, सही, इस बंदे को फारग कर दो। तो भाई ऐसे नहीं करते। सही है, अगर कंप्लीट वर्क आप कर रहे हैं ना एज आ टीम, तो ख़ुद आप अपनी पूरी टीम को इच्छा बना लें। सही, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो पूरी टीम एक इकट्ठी हो जाए, जैसे गेट टुगेदर होते हैं। ठीक है, तो हैप्पी वाली पिक्चर इसलिए आपके लिए कही है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, इसमें जितने भी वर्कर होते हैं, चाहे हेल्पर है, चाहे स्वीपर है, चाहे वेल्डर है, चाहे जो भी है, नहीं हो कारपेंटर है, ठीक, वो सारे एक टीम का हिस्सा है। सही,
एक फैमिली सी बन जाती है उसमें। तो जैसे आपने टॉकिंग करनी है, गुड टॉकिंग करनी है, गुड टॉकिंग से गुड इन्वायरमेंट होगा। सही, आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है कि ह्यूमन गुड ह्यूमन फॉर द अर्थ, कि इस दुनिया में वही बंदे कामयाब होते हैं जो अच्छे होते हैं, अच्छी सोच रखते हैं। सही, तो टीम में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अच्छे नहीं होते। अच्छे नहीं होने से मेरा क्या है कि उनके माइंड में कुछ और होता है, करते वो कुछ और है, विजिबल कुछ और करवाते हैं। सही, इससे टीम कंप्लीट डिस्टर्ब हो जाती है। सही, तो आपने जो भी काम करना है एक दूसरे से कंप्लीट कम्युनिकेशन कर लिया करने, ताकि आपका काम भी कंप्लीट हो जाए, आपकी परेशानी भी दूर हो जाए। आने वाले जो भी वर्क होते हैं ना, एक पर्सन को अगर पता होता है तो दूसरा बनता दूसरे को अंडरस्टैंड कर दिया करे, जिससे इजी हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई। ये वीडियो पसंद आया तो कम्प्लीट वीडियो को वॉच करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। सही है, तो खुश रहें, आबाद रहें। अगर आप कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं मेरे वीडियो पे कमेंट्स करें, मैं आपको वीडियो बना दूँगा। टेक केयर एवरी टाइम, अल्लाह हाफिज़।